नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रीवा जिले में आज एक बार फिर विस्फोट हुआ। मैं आपको तफसील से पूरी खबर बताऊं, उसके पहले बताऊं यहां स्वास्थ्य विभाग में आज का दिन बेहतर नहीं रहा। मऊगंज में जहां 3 कर्मचारी कोरोना से ग्रसित पाए गए, वहीं सतना के लिए भी खबर अच्छी नहीं रही। सतना सीएमएचओ की पत्नी, जो कि खुद डॉक्टर हैं, उनको भी कोरोना हो गया। इलाज के लिए उनको भोपाल की तरफ रवाना कर दिया गया। वहीं जिला चिकित्सालय के नेत्र सहायक, उनकी सिटी अस्पताल जबलपुर में मौत हो गई। रीवा में कोरोना का आज एक बार फिर से जबरदस्त विस्फोट हुआ। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 4 दिनों में रीवा में 109 मरीज मिल चुके हैं। जी हाँ, 109 का आंकड़ा काफी बेहतर होता है, इसको आप कम नहीं कह सकते। आप अंदाजा लगाइए, क्या ये आंकड़ा बेहतर है? अगर पूरे उसकी बात की जाए तो मैं आपको बताऊं, पहले बात करता हूं सतना की। सतना में आज 18 नए पेशेंट मिले, मौतें एक भी नहीं हुई। वहां पर मौतों का आंकड़ा 37 है, रीवा में 30 है। टोटल मरीज 2310 अभी तक वहां पर कोरोना वायरस से ग्रसित पाए गए हैं। अच्छी बात यह कि 2186 लोग ठीक भी हुए हैं। केवल 87 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में कराया जा रहा है। आज 15 लोग ठीक हो गए, अपने घर गए। अब बात करते हैं रीवा की। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो रीवा में 9, गोविंदगढ़ में एक भी नहीं, नई गढ़ी में 1, मऊगंज में 3, हनवना में 2, अब बचे 2, तेउथर और सिरमौर। तेउथर में 8, सिरमौर में आज तेउथर से दुगने यानी 16 मरीज मिले हैं। अब आप सोचिए, आज का दिन रीवा के लिए कैसा रहा? 39 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिले हैं। जिस तरीके से रीवा शहर में इस समय नजारा देखने में नजर आ रहा है, लोगों के चेहरे से मास्क गायब है, लोगों के चेहरे से मास्क बिल्कुल तरीके से गायब है, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पता नहीं है। और एक्सपर्ट पहले ही कह चुके हैं कि ठंड में कोरोना बढ़ेगा, तो इसको क्या माना जाए? कोरोना बढ़ने का संकेत है क्या ये? लोगों को अभी भी वक्त है, लोगों को ध्यान देना चाहिए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, यही दो चीजें हैं जो कोरोना से आपको बचाएंगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।